है दोस्तों, वेलकम बैक टू आई ट्यूटर। दिस इज एन एजुकेशनल चैनल। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज में जो आज का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स बिगिन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश के सेंटेंस में हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर नेम है जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, समीर हैज बीन लर्निंग मैथ सिंस मॉर्निंग एट होम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं समीर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। हैज बीन है वो हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग है वो वर्ब है, मैथ्स है वो ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग ये एक टाइम बता रहा है। ओके, तो ये भी हो गया एडवर्ब, एट होम। तो ये हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। आज के जो हमारे मेन पार्ट ऑफ स्पीच जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट शोज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्टिविटी, यानी जो एक्टिविटी करने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। एंड सेकेंड यूज, इट इज यूज बिफोर अ वर्ब। ये कहाँ पर यूज होगा? हमेशा वर्ब के पहले यूज होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स के, धोनी प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर काम क्या है, खेलना, प्ले। तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाला कौन है, धोनी। तो धोनी क्या हुआ हमारे ये सेंटेंस में, सब्जेक्ट। ओके, अगर आपको इंग्लिश में कभी भी सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आप हु से क्वेश्चन पूछ के सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, धोनी प्लेज क्रिकेट। सो हु प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, तो धोनी। तो धोनी क्या हुआ, सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, समीर इज वॉचिंग आई ट्यूटर। तो यहाँ पर काम क्या है, आई ट्यूटर देखना। लेकिन आई ट्यूटर देखने वाला कौन है, समीर। तो समीर क्या हो गया हमारे सेंटेंस में, सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बॉयज आर ईटिंग देयर स्नैक्स। तो यहां पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, खाने की, ईटिंग। ओके, और यहां पर खाने वाला कौन है स्नैक्स, वो है बॉयज। ओके, सो हु आर ईटिंग द स्नैक्स, सो आंसर क्या आएगा, बॉयज। तो बॉयज क्या हो गए, सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, लायन चेस द डियर। यहां पर एक्टिविटी क्या है, डियर, यानी हरण के पीछे भागने या हरण को चेस करना। लेकिन चेस करने वाला कौन है, लायन। तो लायन क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। ओके, हु डिड चेज द डियर, सो लायन चेज द डियर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच वो है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब शोज द एक्टिविटी इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो वर्ड एक्टिविटी बताता हो या एक्शन बताता हो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं कि हम सुबह उठते हैं तो वेकअप, हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करते हैं। ओके, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ईटिंग। ओके, हम स्कूल जाते हैं, गो। हम वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, स्टडी, लर्न। ये सब क्या है, वर्ब हो गए। ओके, एक चीज़ आपको मैं यहाँ रिमाइंड करा दूँ, हमने हमारी ग्रामर सीरीज में ऑलरेडी वर्ब का चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। उसको देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और उसके अंदर 100 यूजफुल वर्ब्स की PDF भी दी हुई जिसे आप डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्ब को, बाय, बोट, बोट। हम वर्ब को ऑलवेज 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, V1, V2, V3। ओके, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, धोनी प्लेज क्रिकेट। ओके, धोनी क्या करते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, खेलना। एक्शन क्या है, खेलना, प्ले। तो प्ले क्या हो गया हमारा, वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, समीर इज वॉचिंग आई ट्यूटर। समीर क्या कर रहे हैं, तो आई ट्यूटर देख रहे हैं, वॉचिंग। तो वॉच देखना, ये क्या हो गया, एक एक्शन है और ये क्या हो गया, वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल है, बॉयज आर ईटिंग देयर स्नैक्स। तो बॉयज क्या कर रहे हैं, उनका स्नैक्स खा रहे, खाना, ईट। तो ईट क्या हो गया, वर्ब। ओके, नेक्स्ट, लायन चेस द डियर। यहां पर लायन क्या कर रहा था, तो डियर को चेस कर रहा था। तो यहां पर काम क्या है उनका, चेस करना। ये लायन की क्या हो गई, एक्टिविटी या एक्शन हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ओके,
जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम, लायन इज चेसिंग द डियर, तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, चेज करना, तो ये एक्टिविटी हो गया जिसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब। तो यहाँ पर एक्टिविटी करने वाला कौन है, चेज कौन कर रहा है, लायन, तो लायन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये इसके सब्जेक्ट का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, डियर। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आपको फाइंड आउट करने के लिए दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो व्हाट और सेकेंड है हुम से। ओके, जैसे यहाँ पर लायन इज चेजिंग द डियर, तो लायन किसका पीछा कर रहा है, हुम इज लायन चेजिंग, तो किसका पीछा कर रहा है, डियर का। ओके, तो डियर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट, धोनी प्लेज क्रिकेट, तो धोनी क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो धोनी यहाँ हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब, और क्या कर रहे हैं, व्हाट डज धोनी प्ले, धोनी प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, समीर इज वॉचिंग आई ट्यूटर, सो समीर क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉच, वर्ब, तो वर्ड, व्हाट इज समीर वॉचिंग, तो वो क्या देख रहे हैं, आई ट्यूटर, तो आई ट्यूटर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, बॉयज एट देयर स्नैक्स, तो बॉयज क्या खा रहे हैं, स्नैक्स, तो स्नैक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और एक लास्ट ट्रिक बता दूं जिसको आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना, कि इट कम्स आफ्टर अ वर्ब, वो हमेशा वर्ब के बाद ही होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लायन इज चेजिंग द डियर, तो हमारा वर्ब क्या हो गया, चेजिंग, उसके बाद में क्या है, द डियर, तो वो क्या हो गया, वर्ब, सो द डियर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस देखते हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आता क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंक्लूड नाउन एंड प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे देखते हैं हम नाउन, सो नाउन का हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में नाउन का चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ओके, नाउन इंक्लूड्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यहाँ पर तीन चीजें होती है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, नाउन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स, सलमान, बॉय, पॉलिसमैन, मुंबई, गुजरात, कंप्यूटर, आइसक्रीम। ओके, सो ये क्या हो गया, नाउन, तो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो डिफरेंस कैसे होगा बीच दोनों के बीच में देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल है, सलमान खान गेव द गिफ्ट टू शाहरुख खान, भाई यहाँ पर गिफ्ट देने का काम कौन कर रहा है, सलमान खान। ओके, तो जो काम करता हो, जो एक्शन को परफॉर्म करता हो, जैसे हमने देखा, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, तो हमारे यहाँ सलमान खान क्या हुआ है, सब्जेक्ट, और गेव क्या हो गया, वर्ब। ओके, तो क्या, गेव द गिफ्ट टू द शाहरुख खान, टू शाहरुख खान, तो यहाँ पर गिफ्ट किसको दिया, शाहरुख खान को, तो शाहरुख खान यहाँ पर हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रोहित प्लेस पबजी ऑन द मोबाइल, तो यहाँ पर भाई पबजी कौन खेल रहे हैं, तो रोहित खेलते हैं। ओके, तो रोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट। ओके, वर्ब क्या हो गया, प्ले। अब यहाँ पर जो दो मोबाइल है, मोबाइल भी एक क्या है, नाउन है, बट इट इज कमिंग आफ्टर द वर्ब, यू कैन सी, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ओके, क्या खेल रहे हैं, सॉरी पबजी, तो किस में खेल रहे हैं, मोबाइल में। चिल्ड्रन सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे यस्टरडे, ओके, तो बच्चों ने क्या सेलिब्रेट किया, तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, और किसने किया, तो चिल्ड्रन ने, तो चिल्ड्रन हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या किया, सेलिब्रेट किया, तो वो हो गया हमारा वर्ब। ओके, फिर क्या सेलिब्रेट करा, व्हाट डिड दे सेलिब्रेट, और व्हाट डिड चिल्ड्रन सेलिब्रेट, तो इंडिपेंडेंस डे, जो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंक्लूड नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन के बारे में देखा, अब देखते हैं प्रोनाउन। सो प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो नाम, व्यक्ति का नाम, प्लेस और थिंग की जगह जो वर्ड यूज होगा हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। ये रही हमारी प्रोनाउन की पूरी लिस्ट। ओके, जैसे आप पहले में देख सकते हो, आई, वी, दे, ही, शी, इट, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मीन्स ये क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। फिर आप सेकेंड देख सकते हो, मी, अस, यू, देम, him, her, it,
ओके तो ये क्या हो गए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम इसको बोलते हैं, तो ये क्या हो गए ऑब्जेक्ट। और आप थर्ड देख सकते हो जैसे माय आर योर देयर हिज हर इट्स, तो ये क्या हो गए पजेसिव प्रोनाउन हो गए। ओके फिर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उससे आप समझ जाएंगे कि किसे सब्जेक्ट बोलेंगे और किसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आप क्या बोलोगे मी प्ले क्रिकेट और आई प्ले क्रिकेट। ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे आई प्ले क्रिकेट, तो आई क्या हो गया वो सब्जेक्ट हुआ। ओके आई होप यू गॉट इट। आज के हमारे टॉपिक को समझने के लिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हमें ज्यादा आइडिया है। पहला एग्जांपल है धोनी प्लेज क्रिकेट। ओके यहाँ पर क्या है धोनी प्लेज क्रिकेट, धोनी क्रिकेट खेल रहे हैं तो कौन खेल रहा है धोनी, सब्जेक्ट क्या है खेलना प्ले तो वर्ब, क्या खेल रहे हैं क्रिकेट तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे हमने देखा हमारी प्रीवियस स्लाइड में प्रोनाउन, सो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ पर्सन थिंग और प्लेस, ही तो वो धोनी के नाम की जगह यूज किया गया है और ये ही क्या है सब्जेक्ट है। ओके तो ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आई वेंट टू हर होम, मैं उसके घर गया था तो आई क्या हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन और हर क्या हो गया ये एक ऑब्जेक्ट हो गया हर होम। ओके नेक्स्ट एग्जांपल माय मदर हैज फिनिश्ड हर कुकिंग। ओके तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यहां पर कुकिंग करने वाला कौन है माय मदर। ओके अब यहां पर देखते हैं ऑब्जेक्ट, तो हर कुकिंग तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ट्विंकल वाज डूइंग हर हाउस कोर। ओके तो ट्विंकल क्या उनके घर का काम कर रही है सो कर रही थी, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया ट्विंकल और हर हाउस कोर वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके आई लाइक बाहुबली मूवी, इट वॉज मेड बाय एस एस राज मोइली। ओके जैसे कि भाई कौन देख रहा है आई, तो आई क्या हो गया एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई लाइक बाहुबली मूवी, मुझे क्या पसंद है व्हाट डू आई लाइक, सो मुझे क्या पसंद है बाहुबली मूवी, तो ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ओके इट वॉज मेड बाय एस एस राज मोइली। अब आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी जाती है बरोबर, एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है उसको आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके